मुंबई के चेंबूर इलाके में विंसेंट आश्रम के द्वारा अन्नदान के लिए इको कार का उद्घाटन चेंबूर के विधायक प्रकाश भाव फातपेड़कर के द्वारा किया गया। वहीं विंसेंट आश्रम के फादर और मौजूद सैकड़ों लोगों ने इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश भाव फातपेड़कर को भारी मतों से जीत हासिल हो इसके लिए सभी लोगों ने गॉड से दुआ की। वहीं विंसेंट आश्रम के द्वारा मानखुर के चिल्ड्रन होम्स के बच्चों को बुक वितरण किया गया। इस दौरान चेंबूर के विधायक प्रकाश भाव फातपेड़कर आश्रम के कमेटी मेंबर पॉलसन जोसेफ, उनकी धर्मपत्नी मैरी जोसेफ और आश्रम के फादर थॉमस और फादर अरुण मौजूद रहे। आज बहुत बढ़िया अच्छा काम यहाँ से जो अन्नदान का जो ये चालू कर रहे ये आश्रम से, उसमें फादर थॉमस, फादर अरुण और पॉलसन इनके माध्यम से और ये चर्च अपना ये आश्रम के माध्यम से जो कैंसर पेशेंट है टाटा के, वहाँ पे जो टाटा के जो आजू बाजू उनको रहने को घर नहीं है कि बात पेशेंट इधर है हॉस्पिटल में और जो फैमिलीज है रोड पे सोते उनको ये अन्नदान ये आश्रम से होने वाला है और इससे अन्नदान ऐसा अच्छा काम कोई नहीं है और ये आश्रम कर रहे हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से और इनके साथ मैं हमेशा जुड़ा हूँ और इनके सब हर काम में मैं साथ में हूँ इतना बोल के मेरा स्पीच खत्म करता हूँ। Hi everyone, we have come to Mankod Children's Home. Right now we are with the superintendent of the ashram, with Father Thomas, the superior of the Vincent Ashram, and Mr. Paulson and Mrs. Paulson, and benefactors and well-wishers of the ashram. This is an initiative by the Vincent Ashram on the 12th road at Chembur. We have begun a social work project of distributing free lunch packets to the Tata Hospital and also on the people on the streets. So we thought it is always better to start with the children, the under-deprived children. So we have come to Mankod. Now we are distributing few hundreds of books, and in the coming days we are planning to give fruits for these children. We have around 300 children over here. So what we learned from the superintendent is they need fruits and nutritious food. So we are looking forward to help the society and the state and this institution by serving them fruits. So I take this opportunity to thank Mr. Superintendent on behalf of Father Thomas, Paul Seddon and Chitra and all everyone gathered here.